हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है फीटल सर्कुलेशन। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फीटल सर्कुलेशन प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क डिफरेंटली देन आफ्टर बर्थ। मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम फीटल सर्कुलेशन जैसे काम करता है वो डिफरेंट होता है जन्म के बाद। क्यों? हम अपनी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो लंग्स जो होते हैं वो प्यूरीफाई करते हैं ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्यूरीफाई करता है लंग्स। बट फीटस में ऐसा नहीं होता। फीटस में जो लंग्स होते हैं वो यूज़ में नहीं होते, वो प्यूरीफाई नहीं करते ब्लड को। इसलिए फीटल सर्कुलेशन डिफर है, और जो कि बच्चे के जन्म के बाद बदल जाता है। ओके फ्रेंड, तो अब ये है कि फीटस कहाँ से ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स लेता है, तो वो मदर के थ्रू, प्लासेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू लेता है। ओके, स्ट्रक्चर है पहला डक्टस वीनोसस, सेकंड फोरामेन ओवेल एंड थर्ड वन डक्टस आर्टरियोसस। ये इम्पॉर्टेंट है, इसी के थ्रू हम आगे पूरा सर्कुलेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है कि ब्लड फ्रॉम द प्लासेंटा इज कैरीड टू द फीटस बाय अम्बिलिकल वेन। ब्लड जो होता है वो प्लासेंटा उसको ब्लड को कैरी करता है, फीटस को देता है थ्रू अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सो प्लासेंटा एंड फीटस से कनेक्ट होता है अम्बिलिकल कॉर्ड, और अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर दो आर्टरी और वन वेन होते हैं। ओके, जो वेन्स होते हैं वो कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड आर्टरीज दैट कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो फ्रेंड, ये पिक है अम्बिलिकल कॉर्ड की, जिसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है टू आर्टरीज हैं एंड वन वेन है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड कंसिस्ट करता है टू आर्टरीज वन वेन। तो अब साइकिल शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप था ब्लड फ्रॉम प्लासेंटा इज कैरी टू द फीटस। ब्लड प्लासेंटा से अम्बिलिकल वेन के थ्रू फीटस को आता है। एंड सेकेंड, जब ब्लड प्लासेंटा से अम्बिलिकल वेन के थ्रू हाफ लीवर में एंड हाफ इन्फीरियर वेना केवा में, यहाँ पे लिखा है अबाउट हाफ ऑफ दिस एंटर द फीटल डक्टस विनोसस। तो वहाँ जो मिक्सिंग होती है उसे डक्टस विनोसस कहते हैं। ओके, हाफ इन्फीरियर वेना केवा में गया, हाफ लीवर में गया, उस पॉइंट को डक्टस विनोसस कहते हैं। आगे पिक में मैं एक बार और क्लियर कर दूंगी आपको। एंड देन ब्लड देन मूव्स टू राइट एट्रियम। फिर उसके बाद ब्लड राइट एट्रियम में जाता है हार्ट के। एंड इन द फीटस देयर इज ओपनिंग बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम में ब्लड गया, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में ओपनिंग होती है जिसको फोरामेन ओवेल कहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्लोस फ्रॉम द राइट इनटू द लेफ्ट एट्रियम। बहुत सारे जो ब्लड होते हैं वो राइट से लेफ्ट एट्रियम में ओपनिंग के थ्रू चले जाते हैं। तो यहाँ मैं सिंपल सा हार्ट का डायग्राम बना के आपको बता रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये राइट एट्रियम है एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके फ्रेंड्स, सो इन्फीरियर वेना केवा से जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से यहाँ ओपनिंग है, यहाँ जो ओपनिंग है उसको हम फोरामेन ओवेल कहते हैं। ये ओपनिंग के थ्रू राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ जाता है, और फिर लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू अरोटा से होके पूरे बॉडी में वो मूव करता है। सो ये आगे हम पढ़ेंगे। द मेजोरिटी ऑफ ब्लड फ्लो इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो भी मैं पीछे बताई कि यहाँ फीटस में देयर इज ओपनिंग होता है राइट एंड लेफ्ट एट्रियम में, जिसको फोरामेन ओवेल कहते हैं। इसलिए ओपनिंग की वजह से जो ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम में जाता है। ओके, देन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाता है, और वो पम्प्ड होके अरोटा के थ्रू बॉडी में जाता है, फीटस के बॉडी में। एंड सम ऑफ ब्लड मूव्स फ्रॉम अरोटा थ्रू द इंटरनल इलियाक आर्टरी। अरोटा से इंटरनल इलियाक आर्टरी में जाता है, फिर अम्बिलिकल आर्टरीज में जाता है, एंड फिर री इंटर्स करता है वो, क्योंकि आर्टरीज जो होती है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है।
तो अम्बिलिकल आर्टरी में जाता है, री एंटर होता है प्लासेंटा में, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो फीटस के वो एंटर हो जाते हैं वुमेंस के सर्कुलेशन में। ओके फ्रेंड्स, फिर से समझ लीजिए, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ओरोटा से बॉडी में जाता है ब्लड फीटस के बॉडी में, देन सम अमाउंट ऑफ ब्लड जो होते हैं वो इंटरनल इलियाक आर्टरी से अम्बिलिकल आर्टरी से री एंटर करते हैं प्लासेंटा में, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं फीटस के वो एंटर हो जाते हैं वुमेंस के सर्कुलेशन में। फिर है सम ऑफ ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम डज नॉट एंटर द लेफ्ट एट्रियम, सम जो ब्लड्स होते हैं जो राइट एट्रियम में हैं वो एंटर नहीं करते हैं लेफ्ट एट्रियम में, तो वो राइट वेंट्रिकल में आ जाते हैं। ओके, जैसे यहाँ से ब्लड ये ओपनिंग के थ्रू उधर नहीं जाते, तो सम अमाउंट ऑफ ब्लड जो होते हैं वो राइट वेंट्रिकल में आ जाते हैं एंड पंप इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जो ब्लड होते हैं वो यहाँ आते हैं और इन द फीटस देयर इज स्पेशल कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा के बीच में स्पेशल एक कनेक्शन होता है जिसको डक्टस आर्टेरियोसस कहते हैं। अभी पीछे हमने ये पढ़ा था कि तीन स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें था डक्टस विनोसस जो पढ़ा, फोरामेन ओवेल जो कि दोनों के बीच में ओपनिंग होता है, एंड डक्टस आर्टेरियोसस जो कि स्पेशल कनेक्शन होता है पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा के बीच में। विच डायरेक्ट मोस्ट ऑफ दिस ब्लड अवे फ्रॉम द लंग्स, जो कुछ ब्लड लंग्स में भी भेजते हैं, नॉट फॉर रेस्पायरेशन या ऑक्सीजनेशन, फॉर मैच्योरेशन ऑफ लंग्स, लंग्स को मैच्योर करने के लिए कुछ ब्लड लंग्स में जाते हैं। सो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ ये चार्ट के थ्रू समझेंगे, पहले यहाँ प्लासेंटा पॉइंट ऑफ एक्सचेंज द फेटल ब्लड एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फॉर ऑक्सीजन एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट, यहाँ से जो ब्लड है प्लासेंटा से अम्बिलिकल वेन में आते हैं। ओके फ्रेंड, अम्बिलिकल वेन जो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द मदर, अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द मदर से कैरी कर रहा है। देन मैं बताइए आपको, बाईपास द लीवर, डक्टस विनोसस जो होता है वो ब्लड को बाईपास करता है लीवर में एंड फिर इन्फीरियर वेना केवा में जो ब्लड है वो आ जाता है, जो कि फिर ब्लड हार्ट को पहुंचाता है, हार्ट में सबसे पहले वो राइट एट्रियम में पहुंचाता है। ओके, राइट से थ्रू फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल जो ओपनिंग होती है राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में, उसके थ्रू ब्लड जो होता है वो लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, देन अरोटा, अरोटा में जाता है और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन वही जो बॉडी में जाता है, देन फिर अम्बिलिकल आर्टरीज में जाते हैं प्लासेंटा के थ्रू, फिर मदर के वुमेन सर्कुलेशन में चला जाता है। और जो सम अमाउंट ऑफ ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में नहीं आ पाते हैं वो राइट वेंट्रिकल में चले जाते हैं, राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी में जाते हैं और पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा के बीच में जो स्पेशल कनेक्शन होता है उसको डक्टस आर्टेरियोसस कहते हैं, जो कि ब्लड बाईपास करता है लंग्स में, जो कि ब्लड बाईपास करता है लंग्स में उसको कहते हैं डक्टस आर्टेरियोसस, एंड देन फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके फ्रेंड, तो ये था चार्ट। सो ये एक और डायग्राम है, यहाँ पे ये प्लासेंटा है, प्लासेंटा से ये यहाँ पे ये देखिए डक्टस विनोसस जो कि लीवर में ब्लड जा रहा है एंड इन्फीरियर वेना केवा में ब्लड जा रहा है, बाईपास कर रहा है, तो ये डक्टस विनोसस हो गया। ओके, यहाँ पे अम्बिलिकल वेन है, अम्बिलिकल आर्टरीज हैं, फिर वो राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से ओपनिंग की वजह से वो लेफ्ट एट्रियम में जाता है, ओपनिंग को फोरामेन ओवेल कहते हैं, ये देखिए। ओके फ्रेंड, फोरामेन ओवेल कहते हैं, फिर वहाँ से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में वो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, देन इलियाक आर्टरी से अम्बिलिकल आर्टरी से प्लासेंटा से होते हुए मदर के सर्कुलेशन में चला जाता है, और जो ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में नहीं जा पाता है वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में कनेक्शन होता है जिसको डक्टस आर्टेरियोसस कहते हैं, जो कि कनेक्शन बिटवीन अरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी होता है, और सम अमाउंट ऑफ जो ब्लड होते हैं वो लंग्स में जाते हैं फॉर मैच्योरेशन, नॉट फॉर रेस्पायरेशन और ऑक्सीजनेशन। ये सब हमने पढ़ लिया। अब आफ्टर बर्थ क्या होता है, क्योंकि ये था कि फीटल सर्कुलेशन चेंज हो जाता है आफ्टर बर्थ, तो क्या होता है
एट बर्थ विन द इन्फेंट, जन्म के बाद जब बच्चा सांस लेता है, ब्रीथ करता है फॉर फर्स्ट टाइम, सबसे पहले जब सांस लेता है, तो वहाँ पे डिक्रीज होता है रेसिस्टेंट में इन द पल्मोनरी वस्कुलेटर विच कॉजेज द प्रोसेस इन लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में, और इंक्रीज करता है रिलेटिव टू प्रेशर इन राइट एट्रियम, लेफ्ट और राइट एट्रियम में प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से जो फोरामेन ओवेल होता है वो क्लोज हो जाता है, फिर उसको हम फोसा ओवेलिस कहते हैं। सो प्रेशर की वजह से दोनों में जो ओपनिंग होती है जिसको फोरामेन ओवेल कहते थे वो क्लोज हो जाता है। ओके, ये भी डायग्राम है, यहाँ पे जो ओपनिंग थी बताया था मैंने अभी पीछे कि जो दोनों के बीच में ओपनिंग होती है वो क्लोज हो जाती है। द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड लीड्स टू डिक्रीज इन प्रोस्टाग्लैंडिन कॉजिंग क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस, यहाँ पे डक्टस आर्टेरियोसस भी क्लोज हो जाता है। अलाउ द न्यूनेस ब्लड टू बिकम ऑक्सीजनेटेड इन न्यूली ऑपरेशनल लंग्स, फिर जो लंग्स होते हैं वो ऑपरेशनली ऑक्सीजनेट करने लगते हैं ब्लड को, तो लंग्स अब काम करने लगते हैं। समटाइम्स दीज पोस्टनेटल क्लोजर्स आर इनकम्प्लीट, समटाइम ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्लोजर होते हैं, जो फोरामेन ओवेल का क्लोजिंग हुआ, डक्टस विनोसस का क्लोजिंग हुआ, वो क्लोज नहीं हो पाता। ओके, तो जब क्लोज नहीं हो पाता है तो उसकी वजह से सम प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि पेटेंट फोरामेन ओवेल इन हार्ट होल कभी कभी रह जाता है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस इन ग्रेट वेसल्स एंड पेटेंट डक्टस विनोसस इन ग्रेट वेसल्स, ये सब कुछ डिजीज हैं जो पेडियाटिक में पढ़ते हैं हम लोग। सो थैंक यू फ्रेंड, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और आगे के कुछ टॉपिक्स अगर आपको जाननी हो, पढ़नी हो, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी तो आप जाके देखिएगा। थैंक यू।